हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। हैप्पी विसाखी सारिआं नूं। विसाखी सब नूं बहुत बहुत मुबारक। फैसटिवल आ अज ते फिर कुछ ना कुछ मिठा बनाउणा ते बणदा ही। अज मैं बनाउण वाली आ बेसन दी बर्फी, जिहड़ी बहुत ही ईजी बनती है ते खाण विच हुंदी आ बहुत ही ज़्यादा यम्मी। सो बने रहना फिर ब्लॉग चंगी दी मेरे नाल। बेसन दी बर्फी बनाउणी स्टार्ट करन तों पहलां मैं छोटे छोटे काम कंप्लीट कर लेने आ, जिदा कि बदाम नूं कट्टणा कि उन्होंने उपरों चंगी तरह सजाया तो जाया जा सके, है ना। तो प्लेट ग्रीस करके रख लेनी है, क्योंकि जो फिर बेसन भुनना या चाशनी मिक्स करनी है, फिर उस तो बाद इन्ना टाइम नहीं होंगे कि पहला उन्होंने छड़ के मैं प्लेट ग्रीस करा या ड्राई फ्रूट वगैरह कट्टा। इस करके हमेशा ये काम पहले खत्म करके रख लेने चाहिए। सब कुछ रेडी है तो हम स्टार्ट कर दिया कुकिंग। प्लेट में चंगी तरह ग्रीस कर ली, इन रख दें साइड पर। एक कप चीनी, कप का साइज़ सेम रखना है, एक कप बेसन, एक कप पानी, तो ड्राई फ्रूट जोड़ा मर्जी। मेरे को बादाम से मैं छोटे छोटे काट ले। तो हम स्टार्ट करते हैं बर्फी बनाना। एक कप पानी तो एक कप चीनी जी ले बना लेनी है चाशनी। चाशनी बनानी है थोड़ी जी गाढ़ी। हूँ आनी हाँ मैं नैक्सट स्टैप पर। घ्यो में गर्म होने रख दिता है। एक कप बेसन दे तीन चम्मच बहुत है घ्यो, मेरे को साइज़ बड़ा सी थोड़ा जहा, इस करके मैं ये डेढ़ चम्मच घ्यो का पा लेना। फ्लेम नूं रखना है लो, तो बेसन सारा ऐड कर देना है। घी मैं थोड़ा जिहा होर ऐड किया, क्योंकि मैं घट लग रहा है। सो डेढ़ नहीं पूरे दो चम्मच ऐड कर देना, मतलब दो छोटिया भरिशे। हूँ इन मैं लो फ्लेम से भून देना चंगी। बेसन का कलर हो गया चेंज, मतलब कि बेसन चंगी तरह भुज गया। तो हूँ ये मैं ऐड करूँगी चाशनी। चाशनी पा के चंगी तरह मिक्स कर लेना, फिर इन ज़्यादा नहीं पकाना। मिक्स करके तो ग्रीस की हुई प्लेट के बीच फटाफट काट लेना है। इन ज़्यादा हार्ड नहीं करना, बस इधर का लिक्विड ही जो काट लेना है। ये जिदा जिदा ठंडा होना है ये अपने आप जम जाना है। तो हूँ जोड़े भी ड्राई फ्रूट तेरे को अवेलेबल है या जी यूज़ करना चाहते हो, वो ड्राई फ्रूट ना इनू गार्निशिंग कर लो। मैं यूज़ की है सिर्फ बादाम। ड्राई फ्रूट उपर पा के तो इनू थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेना, ताकि ये अंदर चले जा तो चंगी तरह सैट हो जाए। तो हूँ इन ठंडे होने रख देना है। बेसन की बर्फी बन के तैयार है, तो इन्हें मैं पीसिस भी कट लिया है। बट जो मैं पीसिस कटिंग कर रही थी तो उस वक्त मैं शूट करना भूल गई, वो सॉरी। बेसन की बर्फी बन के तैयार है। आई होप कि तुम्हें अज का मेरा कुकिंग ब्लॉग वधिया लगा होना है। तो जेकर तुम पहली बार आए मेरे चैनल पर, तो चैनल में सबसक्राइब कर लो, तो बैल आइकन भी प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आने वाले ब्लॉग्स नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। तो अपन मुलाकातों के सिलसिले अगे भेजते चलते रहे। अज के ब्लॉग बस इन्हें मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।